क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू का है? वो तो विश्व का भगवान है, वो तो अंग्रेजों का भी, अमेरिकनों का भी, रूसियों का भी, और उनका भी भगवान है जिनको कोई मानने वाला नहीं। तो मैंने अखबार में एक छोटी सी न्यूज पढ़ी कि तस्लीमा नसरीन मुंबई आ रही है और एक सर्टन ग्रुप है मुंबई में ही, एक सर्टन पार्टी है जिसने कहा कि अगर उसने मुंबई में पैर रखा तो हम उसे जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ये बात तो बड़ी गलत है। धर्म अलग अलग क्यों ना हो, मगर हमें जोड़ता है धर्म। जितना आप धर्म को, मैं आपसे पूछता हूं, जो आज राम जी का बहुत शोर करते हैं, भगवान राम का, क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू का है? वो तो विश्व का भगवान है, वो तो अंग्रेजों का भी, अमेरिकनों का भी, रूसियों का भी, और उनका भी भगवान है जिनको कोई मानने वाला नहीं। मगर हम लोग आज अलग अलग किए जा रहे हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। ये नहीं कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम इस देश के, हमने इस देश में रहना है। क्या है, आप मंदिर जाते हो उसको याद करते हो ना, उसके सिवा तो कुछ नहीं है। हम अगर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, किसके सामने पढ़ते हैं? वही जो आपका भी मालिक है वो मेरा भी मालिक है, कोई फर्क नहीं है। मगर इस तरह से आज हम में नफरत पैदा की जा रही है, अलग अलग किया जा रहा है। ये देश को मजबूत नहीं करेगा, ये देश को कमजोर करेगा। हम लोगों को आपस में, आपसे कहता हूं, उन ताकतों से लड़ना है जो देश को कमजोर कर रही है। और वो ताकत बाहर नहीं है, वो अंदर है, हम में है, उसको हटाना है। तब आप इस भारत को बना सकोगे, तब ये भारत मजबूत होगा। आज हालत देखिए भारत की क्या है, महंगाई देखिए कहां पहुंची। आज गरीब पिस रहा है, घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं मगर कहीं नौकरी नहीं है। हर चीज, गैस को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, आप अपनी बिजली की फीस को देख लीजिए, हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई है कि आज हमारे, हम लोगों को आगे दिखता नहीं कि क्या होगा। मगर एक बात कह रहूंगा आपसे, भगवान को कभी छोड़िएगा नहीं। भगवान और अल्लाह ही है जो हम लोगों को इन मुश्किलों से निकालेगा, ये याद रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। एक दिन, काफी बरस पहले की बात है, मैंने एक अखबार में एक न्यूज देखी। उस जमाने में नई नई तस्लीमा नसरीन, जिसने लज्जा लिखी थी बांग्लादेश में, वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में उसने एक नावल लिखी थी लज्जा, और जिसकी वजह से वहाँ की जमात इस्लामी उनके खिलाफ हो गई थी और उसका खून करने के दर पे थे, तो वो हिंदुस्तान आ गई, कलकत्ता में थी। तो मैंने अखबार में एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ी कि तस्लीमा नसरीन मुंबई आ रही है और एक सर्टन ग्रुप है मुंबई में ही, एक सर्टन पार्टी है जिसने कहा कि अगर उसने मुंबई में पैर रखा तो हम उसे जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ये बात तो बड़ी गलत है कि हम ये सुन लें और चुप रहें। मैंने अपने एक दोस्त को कलकत्ता फ़ोन किया, पूछा कि मुझे किसी तरह से तस्लीम ने, मैं तो मिला नहीं था उससे, तस्लीमा नसरीन का फ़ोन नंबर मिल सकता है? मुझे मिला, मैंने तस्लीमा नसरीन को फ़ोन किया, मैंने अपना परिचय दिया, तो उसने कहा मैं आपका नाम सुना है, जानती हूँ आपको। तो मैंने कहा मुंबई कब आ रही हैं? कहीं मैं मुंबई आई नहीं रही। मैंने कहा आप नहीं आ रही होंगी, लेकिन अब तो आना पड़ेगा, इसलिए कि अब आप नहीं आई तो इस ग्रुप को लगेगा कि इसकी वजह से आप नहीं आई हैं, तो आप मुंबई आइए। तो अच्छा, कहने में आ जाऊंगी आप ऐसा कहते हैं तो। शाम को मुझे बुद्धूदेव भट्टाचार्य साहब, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई तुम उसे बुला रहे हो, उसकी सुरक्षा कैसी होगी वहाँ?
मैंने कहा वो हो जाएगी, आप इसकी चिंता ना कीजिए। मैंने ये फोन रखा और छगन भुजबल साहब होम मिनिस्टर थे, उन्हें फोन किया। मैं सर इस लड़की को हमें बुलाना है मुंबई में, और मुंबई के किसी छुपे हुए कोने में जलसा नहीं करना है, हम वहाँ करेंगे जहाँ जिस एरिया को सेंसिटिव कहा जाता है, और हम बोलेंगे वहाँ खड़े। छगन भुजबल साहब ने कहा कि आपका जनतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, आप उन्हें बुलाइए, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, हम लोगों ने इसके एयरपोर्ट में रिसीव किया उसे, उसका जलसा हमने किया सेंट्रल बॉम्बे में। और छगन भुजबल साहब का मैं आभारी हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होने पाई।